कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय एक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है और सारे अखया के सब पवित्र लोगों के नाम। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी ये आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। क्योंकि हम अपने विवेक के इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वो जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं। वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। और इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले, और तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को जाऊं और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे पास आऊं, और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचा। इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूं क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं, कि मैं बात में हां हां भी करूं और नहीं नहीं भी करूं? परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा, हां और नहीं दोनों पाई नहीं जाती, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिल्वानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हां और नहीं दोनों ना थी, परंतु उसमें हां ही हां हुई, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हां के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। मैं परमेश्वर को गवाह करता हूं कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था, ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो।